प्रदेश विधानसभा चुनाव खत्म होते ही प्रशासन एक्शन मोड में आ गया है। शनिवार को एसडीएम आरएन वर्मा ने दल बल के साथ नगर में पैदल भ्रमण करके अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया है। एसडीएम ने चेतावनी दी है कि अगर शीघ्र अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो संबंधितों के विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी। ये बड़ा समय करहल में उठाया गया है। आपको बता दें, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के विधानसभा क्षेत्र में करहल में प्रशासन बड़ी कार्यवाही करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। एसडीएम आरएन वर्मा शनिवार को पुलिस बल के साथ करहल पहुंचे, जहां उन्होंने अतिक्रमण करने वाले दुकानदारों को चेतावनी देते हुए कहा है किसी भी प्रकार का अतिक्रमण ना किया जाए, अतिक्रमण करने वालों पर कठोर कार्यवाही की जाएगी। एसडीएम ने ये भी कहा, अतिक्रमण के चलते नगर में आने वाले लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, दुर्घटना की संभावना बढ़ रही है, होली का त्यौहार नजदीक है। करहल में योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर चलने के लिए तैयार है। अतिक्रमण करने वालों को प्रशासन की ओर से 24 घंटे का वक्त दिया गया है और कहा गया है कि अगर ये नहीं माने तो महाबली के साथ पुलिस अतिक्रमण हटवाने का कार्य करेगी, जुर्माना भी वसूला जाएगा। हथठेले वाले भी अतिक्रमण ना बढ़ाएं, सड़क पर ठेले ना लगाएं, जहां सड़क किनारे जगह खाली हो वहीं हथठेले लगाए जाएं। तो देख सकते हैं आप, चुनाव खत्म हुए हैं और यहां पर अखिलेश यादव के विधानसभा क्षेत्र पर योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर चलने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। नेक्स्ट 9 न्यूज़ नेशन की रिपोर्ट।